नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन न्यूज। कश्मीर में दशकों तक आतंक का साया रहा, वहां के लोगों ने खौफनाक इतिहास देखे हैं। उसी डर और दहशत की कहानी को अब दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा, जिसकी एक झलक आज द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के जरिए शेयर किया गया। ये ट्रेलर आपको उन घटी घटनाओं के दर्द को बयां करेगी जो हमसे अब तक अनजान थी। द ताशकंद फाइल्स के निर्माता ने डॉक्यूमेंट्री पर अपनी बेहतर पकड़ के बाद कश्मीर में हुए नरसंहार से पीड़ितों की तकलीफ लोगों तक पहुंचाने के लिए द कश्मीर फाइल्स का निर्माण किया है। कश्मीर की दर्द भरी कहानी और लाखों की चीखों से भरी इस फिल्म का इंतजार हर कोई कर रहा था, जिसका ट्रेलर अब रिलीज किया जा चुका है। ये फिल्म आपको जितना खुद में बांधे रखेगी, उससे ज्यादा आपको हैरान करेगी। ये फिल्म कश्मीर में हुई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये ट्रेलर आपके अंदर भी कश्मीर में ढकी बर्फीली घाटियों में दबी दर्दनाक इतिहास को दिखाएगी। ये फिल्म हमें उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा था। आतंकवाद की गूंज बच्चे बच्चे के कानों में गूंज रही थी और ना जाने कितने ही मासूमों की जान चली गई थी। लोग अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। ट्रेलर को देखने के बाद आपके अंदर भी कश्मीर को देखने का नजरिया और भी बदल जाएगा और कश्मीर की खूबसूरती के साथ वहां की भयानक यादें भी दिखने लगेंगी। वहीं इस फिल्म के किरदार की बात करें तो इस फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पल्लवी जोशी, प्रकाश बेलावड़ी, अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार, भाषा चुंबली, चिन्मय मंडेलकर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव, पृथ्वीराज सरनाइक जैसे अन्य पॉपुलर नाम सहित प्रतिभा का एक पावर हाउस भी नजर आएगा। द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है और जी स्टूडियो, IAM बुद्धा और अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स बैनर के तहत तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित है। ये ग्रिपिंग ड्रामा 11 मार्च 2022 में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप कश्मीर पे बनी इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड है, अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मूवीज और ट्रेलर रिव्यूज के लिए देखते रहें HCN News फिल्मी और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।